देखिए रात को ये पता चला कि एक जो लैटिस गर्डर होता है आयरन का जो लोहे का जो पाइप लोहे का जो बहुत मोटा कॉलम होता है वो आ गया है और उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, उसको काट दिया गया है अभी। तो इस तरह के सरप्राइजेस जो हैं अगर नहीं आते हैं आगे, 12 मीटर की ड्रिलिंग करनी है, तो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर लिया। आज चूंकि आप कप्तान हैं, क्या निर्देश है आपका पुलिस बल के लिए, पुलिस ऑफिसर्स के लिए, अगर आज रेस्क्यू होता है जिसकी संभावना है? देखिए जो हमारा जो एक्शन प्लान है पोस्ट रेस्क्यू जो है वो हमारा पूरा तैयार है और हमने पूरी फाइनल डिटेल्स तैयार कर लिए हैं, कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, उसके लिए हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए ले जाएंगे, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ही ले जाएंगे। तो सभी को ये निर्देश है कि पूरी मुस्तैदी से काम करना है और एक मिनट इम्पोर्टेंट है उनकी, जो लोग फंसे हुए हैं, और उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो होगा वो हम सब हर जगह। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए कहाँ तक ले जाना है? देखिए अभी ये मुझे चिन्यालीसौड़ तक ले जाएंगे जहाँ तक है लगता है हमको। तो कितने बेड का आपने अस्पताल तैयार करवा रखा है? देखिए इस बारे में डीएम साहब ज्यादा बता पाएंगे आपको कि कितने बेड हैं, बट उसमें बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज हैं और जितने ट्रैप्ड हैं उन सबके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज हैं। पहले सबको चिन्यालीसौड़ लेकर जाया जाएगा जी, उसके बाद जरूरत हुई तो आगे ऋषिकेश ले जाया जाएगा जी। अभी खुद यहाँ आप मौजूद हैं, क्या सूबे के मुख्यमंत्री आने वाले हैं? जी हाँ, अभी कुछ वीआईपी मूवमेंट्स की उम्मीद है, जनरल वीके सिंह साहब भी आ रहे हैं, नॉर्थ के सेक्रेटरी भी आ रहे हैं, तो उन्हीं के लिए खड़े हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। देखिए रात को ये पता चला कि एक जो लैटिस गर्डर होता है आयरन का जो लोहे का जो पाइप लोहे का जो बहुत मोटा कॉलम होता है वो आ गया है और उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, उसको काट दिया गया है अभी। तो इस तरह के सरप्राइजेस जो हैं अगर नहीं आते हैं आगे, 12 मीटर की ड्रिलिंग करनी है, तो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर लिया। आज चूंकि आप कप्तान हैं, क्या निर्देश है आपका पुलिस बल के लिए, पुलिस ऑफिसर्स के लिए, अगर आज रेस्क्यू होता है जिसकी संभावना है? देखिए जो हमारा जो एक्शन प्लान है पोस्ट रेस्क्यू जो है वो हमारा पूरा तैयार है और हमने पूरी फाइनल डिटेल्स तैयार कर लिए हैं, कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, उसके लिए हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए ले जाएंगे, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ही ले जाएंगे। तो सभी को ये निर्देश है कि पूरी मुस्तैदी से काम करना है और एक मिनट इम्पोर्टेंट है उनकी, जो लोग फंसे हुए हैं, और उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो होगा वो हम सब हर जगह। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए कहाँ तक ले जाना है? देखिए अभी ये मुझे चिन्यालीसौड़ तक ले जाएंगे जहाँ तक है लगता है हमको। तो कितने बेड का आपने अस्पताल तैयार करवा रखा है? देखिए इस बारे में डीएम साहब ज्यादा बता पाएंगे आपको कि कितने बेड हैं, बट उसमें बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज हैं और जितने ट्रैप्ड हैं उन सबके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज हैं। पहले सबको चिन्यालीसौड़ लेकर जाया जाएगा जी, उसके बाद जरूरत हुई तो आगे ऋषिकेश ले जाया जाएगा जी। अभी खुद यहाँ आप मौजूद हैं, क्या सूबे के मुख्यमंत्री आने वाले हैं? जी हाँ, अभी कुछ वीआईपी मूवमेंट्स की उम्मीद है, जनरल वीके सिंह साहब भी आ रहे हैं, नॉर्थ के सेक्रेटरी भी आ रहे हैं, तो उन्हीं के लिए खड़े हैं हम लोग। थैंक यू सो मच।